नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग टेप और टेप के प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज आपका टॉपिक है टेप एवं टेप के प्रकार, और ये आप जानते हैं कि यह थ्रेडिंग कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहले आता है परिचय और फिर टेप के प्रकार। टेप क्या होता है? टेप क्या है? टेप एक कटिंग टूल है। इसके द्वारा सिलेंड्रिकल होल की अंदरूनी चूड़ियां इसमें काटी जाती है। तो पहले होल ड्रिल के द्वारा होल किया जाता है, ड्रिल के द्वारा होल किया जाता है, उसके बाद थ्रेडिंग कार्य किया जाता है। तो इससे चूड़िया काटी जाती है। इसके द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टेपिंग कहते हैं। इसे हाथ द्वारा तथा मशीन द्वारा दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यह काय के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील, ये वह हाई स्पीड स्टील के इनको बनाया जाता है। आप जानते हैं भली भांति, कोई भी हार्ड चीज होगी तभी जो है सॉफ्ट चीज को काट सकती है, इसलिए इसको हाई कार्बन स्टील्स और हाई स्पीड का बनाया जाता है। यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। इसकी बॉडी पर चूड़िया कटी होती है, जिन्हें फ्लोट्स या ग्रुप्स इसमें फ्लोट्स या ग्रुप्स कटे होते हैं। चूड़िया क्या होती है? चूड़िया जो होती हैं वो तो क्या होती हैं कि किसी भी सिलेंड्रिकल जाब पर या गोल जाब पर एक समान दर से कटे हुए तिरछे, विशेष कोण पर कटे हुए तिरछे खांचों को हम क्या है, थ्रेडिंग या चूड़ियां कहते हैं। तो अब ये चूड़ी की बात आई, तो चूड़ी में अब आता है टेपा। टेप के अपने प्रकार कितने होते हैं? समान रूप से जो कार्य करते हैं उसमें हमारे 10-11 प्रकार होते हैं। 11 प्रकार है। पहला है हैंड टेप, फिर होता है मास्टर टेप, फिर आता है एक्सटेंशन टेप, फिर बैंड सेंग टेप, स्पाइरल फ्लूटेड टेप, गन या स्पाइरल पॉइंट टेप, स्टेबल टेप, फिर आता है गैस टेप, मशीन स्क्रू टेप और मशीन टेप, फ्लूट्स टेप्स। इस तरह से ये 11 प्रकार के टेप होते हैं। इनका सबका कार्य ही चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। अब है क्या इसमें? समान रूप से जिसका विशेष कार्य होता है तो विशेष टेप को लिया जाता है। समान रूप से आपका होता है पहले हैंड टेप। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, आपको टेप के बारे में बता रहे हैं, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि टेप्स में कितने इसके भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही हर चीज के पार्ट्स होते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है। आप देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका टैंक कहलाता है। इस वाले हिस्से में टैप हैंडल के द्वारा इसको टेप को हम होल्ड करते हैं। फिर इसके नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहा है आपको शैंक। शैंक में क्या है? शैंक भी दो तरह की होती है। एक होती है एक टेपर सेंक होती है, एक आपकी क्या होती है, स्ट्रेट सेंक। तो जो टेपर सेंक वाले जो आपके टेप होते हैं वो टेपर सेंक वाले जो है मशीनों में प्रयोग में लाए जाते हैं, और जबकि स्ट्रेट सेंक वाले जो है, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें आप देख रहे हैं, तो चित्र में आप देख रहे हैं पीछे टैंक बनी हुई है, ये आपको टेप हैंडल में लगाई जाती है। और टेप हैंडल का एक सिरा मोबिल होता है, और इसको हम क्या करते हैं, टाइट करते हैं और आप जो है जॉब पर चलाते हैं और जो में थ्रेडिंग की जाती है। अब नीचे वाले से देखें आप बॉडी। बॉडी में क्या है? जो हिस्सा वर्क वाला होता है, कार्य वाला होता है, इसकी बॉडी कहलाती है। जिसमें आपके क्या है, थ्रेडिंग की होती है, थ्रेडिंग कटी होती है। यही चूड़ियाँ, यही थ्रेडिंग आपको क्या है, जॉब के ऊपर भी करनी है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, किसी जॉब के अंदरूनी भाग में चूड़ी को काटना। तो बॉडी के बाद आता है नीचे वाला इसका हिस्सा आता है। नीचे आप देख रहे हैं एक साइड में लैंड। लैंड मान क्या? भूमि। थोड़ी जगह है इसमें ये, जहाँ इसके फ्लोट्स वगैरह बने होते हैं, इसमें स्पेस होता है। फिर नीचे वाला हिस्सा एक आप देखते हैं फ्लोट्स। फ्लोट्स से जो कटिंग एज वाले हिस्से होते हैं वो इसके, वो आपके फ्लोट्स। एक आता है इसमें कटिंग एज। आपने देखा होगा टेप के अंदर धार वाला हिस्सा बना होता है, वो आपका कटिंग एज होता है, काटने वाला हिस्सा होता है, ठीक है। फिर इसके नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है वो हील होता है। हील माने एड़ी, जो हिस्सा आपके कटिंग करते समय जॉब के ऊपर स्टे करता है, और जब चूड़ी काटते हैं तो उसको हमें घुमाना पड़ता है। अब पहले आता है आपका हैंड टैप।
हैंड टैप का नाम से भी देते हैं, जैसे कि इसे हाथ द्वारा ही चलाया जाता है, हाथ द्वारा ही घुमाया जाता है, इसलिए इसको हैंड टैप बोला जाता है। इसकी सैंक पर वर्गाकार टैंक बनी होती है जिसमें टैप हैंडल फिट किया जाता है। यह प्रत्येक स्टैंडर्ड थ्रेड में अलग अलग साइजों में मिलते हैं। प्रत्येक साइज में 3 टैप होते हैं जिनके नाम इस प्रकार से, कहने का अर्थ है कि ये जो आपके हैंड टैप होते हैं आपके, ये 3 तरह के होते हैं। आप जानते हैं जो थ्रेडिंग सिस्टम होता है, ये टैप जो है आपके मैट्रिक सिस्टम और आपके ब्रिटिश सिस्टम में होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैट्रिक सिस्टम में कोई भी चूड़ी है तो उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है, और ब्रिटिश सिस्टम में जो चूड़ियाँ होती हैं उसका एंगल 55 डिग्री होता है। तो अब आते हैं टैप के, हैंड टैप के जो है अलग अलग भाग, अलग अलग जो है जो टैप हैं, जैसे कि हैंड टैप में 3 तरह के टैप होते हैं। पहला होता है टेपर टैप, दूसरा होता है इंटरमीडिएट टैप, तीसरा होता है बॉटमिंग टैप। तो देखिए टेपर टैप से क्या होता है, जो टेपर टैप होता है, टेपर टैप से क्या होता है, टेपर टैप जो है स्टार्टिंग वाला टैप होता है। जब हम चूड़ी काटते हैं किसी होल में, हम जब एंट्री करेंगे तो कैसे एंट्री होगा, तो इसलिए पहले वाले जो टेपर वाले टैप में, इसलिए उसमें ज़्यादा टेपर रखा जाता है कि जॉब में एंट्री करते समय वो उसमें आसानी से बैठ जाए। फिर हम जो है हैंडल को क्लोकवाइज उसको हम घुमाते हैं, क्लोकवाइज घुमाते हैं तो उसको जो है चूड़ी जॉब के अंदर, होल के अंदर बनाना शुरू कर देता है। इसमें जो है आपके लगभग 5 से लेकर 7 आठ तक इसमें चूड़ी जो है टेप होती है, इसमें टेपर ज़्यादा होता है। सेकंड वाला ऐसा होता है इंटरमीडिएट टैप, यानी कि इसको सेकंड टैप भी बोलते, सेकंड टैप है इंटरमीडिएट टैप। ये आपका क्या है, इस टैप के अंदर भी 2 से 5 चूड़ियाँ इसमें टेपर होती हैं, 2 से 3-4 चूड़ी तक इसमें टेपर में होती हैं वो। तो क्या है कि पहले वाला टेपर जो टेप होता है वो चूड़ियों को स्टार्टिंग वे में बना देता है, स्टार्टिंग बना देता है। फिर सेकेंड टेप जो होता है उसको अच्छी तरह से उसकी थोड़ा उससे अच्छी गहराई उसकी बना देता है। फिर तीसरा वाला जो होता है बॉटमिंग टैप जो होता है, इसमें 1-2 चूड़ी ही टेपर में होती है, नहीं तो बाकी पूरी चूड़ी जो पूरा हिस्सा है इसका बॉडी जो होती है उसमें पूरे में चूड़ी लगातार कटी होती है, उसमें टेपर नहीं होता है, चूड़ी को टेपर नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। पहले टेपर टैप होता है तो उसमें स्टार्टिंग में चूड़ी कटने लगती है, और इंटरमीडिएट टैप सेकंड को चूड़ी को और बना देता है, फिर बॉटमिंग टैप से लास्ट में चूड़ियों को फाइनली बनाया जाता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, चूड़ी काटते समय हमें जो है टेप को क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। 1-2 चूड़ी आप जब चक्कर घुमाएंगे उसमें 1-2 चूड़ी कट जाएंगे, जब चूड़ी कट जाती है तो हमको टेप हैंडल को लेफ्ट हैंड भी घुमाना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या फ़ायदा होगा कि एंटी क्लॉक घुमाने से जो थ्रेडिंग कट जाती है उसका चिप्स क्या होता है उसमें फंसा रहता है, फंस जाता है तो टूट जाता है चूड़ी को, उसमें टूटना चाहिए, टूट करके जो उसका चिप्स है वो नीचे गिर जाते हैं, नीचे निकल जाते हैं और उसमें होल में फंसते नहीं है। तो इसलिए जो है हम क्लॉकवाइज इसको घुमाते रहते हैं और बीच बीच में उसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड यानी कि एंटी क्लॉक घुमाते रहते हैं। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में ये आपके टेपर टैप हुआ, फिर इंटरमीडिएट टैप हुआ, फिर आपका ये बॉटमिंग टैप हुआ। तो इन टैप का काम क्या होता है, स्टार्टिंग में ये चूड़ी काटने का सिस्टम है, इसी आधार पर बाकी टैप्स को का निर्माण किया गया, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका मास्टर टैप। मास्टर टैप में क्या है, इसमें साधारणतः हैंड टैप की अपेक्षा फ्लूट्स अधिक होते हैं। पहले वाले जो टैप होता है उसमें फ्लूट्स कम होते हैं, लेकिन मास्टर टैप बनाया तो इसमें फ्लूट्स ज़्यादा होते हैं और अधिक होते हैं, जिनकी संख्या 6 से 10 तक होती है, जिसमें कटिंग एज भी अधिक बने होते हैं। इसमें कटी हुई चूड़ी साफ और शुद्ध साइज में होती है। इसका प्रयोग थ्रेड रिंग गेज आदि में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें अभी आया है कि थ्रेड रिंग गेज जो होती हैं, ये जब इनका प्रयोग किया जाता है जब हम प्रोडक्शन वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वर्कशॉप के अंदर जो है जब जॉब बनता है उसमें अगर चूड़ी वाला जॉब बन रहा है तो उसको चेक करना पड़ता है, तो सभी जॉब जो है वो गेज से चेक होते हैं। तो अगर हम चूड़ी वाला काम कर रहे हैं तो चूड़ी वाले गेज से ही चेक करें, जिसे बोलते हैं थ्रेड रिंग गेज।
ये तभी होगा जब डाई के द्वारा चूड़ी कटती है, तो थ्रेड में गेज के उसमें काम आएगा, क्योंकि तो टेप है तो इंटरनली चूड़ी काटेगा, बट ये क्या है चेक करेगा आपकी आउटर चूड़ी, बाहरी चूड़ी करेगा चेक। थ्रेड रिंग गेज में भी दो तरह की ये गेज बनाई जाती है, दो तरह से बनाई जाती है, जैसे कि पहला है उसमें एक हिस्सा होता है गो वाला, एक होता है नो गो वाला। तो थ्रेड रिंग गेज जब एंट्री करेगा उसमें, तो गो वाला हिस्सा उसमें एंट्री करेगा और पूरा उसमें एंट्री में एंट्री हो जाएगा, चढ़ जाएगा और चूड़ी बिल्कुल फिट आएगी। ध्यान रखा जाता है कि चूड़ी में ज़्यादा प्ले ना हो, अगर आपका थ्रेड रिंग गेज हिल रहा है ज़्यादा तो उसमें प्ले है, इसका मतलब चूड़ी सही साइज में नहीं बनी है। फिर उसको पूरा टेस्ट करने के लिए नोट गो वाला हिस्सा एंट्री किया जाता है, तो नोट गो वाले हिस्से से एंट्री करने देखते हैं। यदि वो नोट गो वाला अगर एक दो चूड़ी चढ़ रहा तब तो ठीक है, अगर यदि वो पूरी लंबाई में चढ़ जाता है तो क्या होता है इसका मतलब आपकी चूड़ी कटी हुई गहराई ज़्यादा बन गई है या चूड़ी आपकी वो ख़राब हो गई, इसलिए वो नो गो उसमें एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो ये मास्टर टैप का ये काम है, आपके ये गेजों का निर्माण करता है। इसके बाद आता है आपका एक्सटेंशन टेप। एक्सटेंशन टैप क्या होता है, एक्स जैसे इसके नाम से भी देते हैं, एक्सटेंशन मतलब लेंथी बड़ा। तो कुछ जगह पर क्या होता है कि इसमें जैसे है कि इसकी सेंग बहुत लंबी होती है, इसका प्रयोग अधिक गहराई में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है, जहाँ साधारण टेप से चूड़ी काटना कठिन होता है। जैसे कि अगर हमारा जैसे पुली के हब होते हैं, इसलिए इसे पुली टेप भी कहते हैं। पुली होती है, पुली आपने देखी होंगी, बी शेप पुली बनी होती है, उसके हब्स होते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने कि उसके अंदर वाले भाग में हमको बोल्ट लगाना पड़ता है। बोल्ट लगाते हैं तो बोल्ट लगाएं कैसे, उसमें चूड़ी कैसे काटेंगे, समस्या होती है। सामान्य टेप से हम चूड़ी नहीं काट सकते, लेकिन एक्सटेंशन टेप का अगर यूज करें, यानी कहने का मतलब लेंथ ही हो, लंबा हो, या उसी में हम कुछ हिसाब कर लें, उसमें वेल्डिंग कर लें, अगर लंबा कर दें तब भी वो काम करेगा। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सटेंशन टेप का ही प्रयोग करते हैं। एक्सटेंशन टेप भी प्रयोग में लाया जाना चाहिए। सबसे मुख्य काम क्या है, पुली के हब में जो आपके चूड़ी कटनी है और उसमें बोल्ट को बैठाया जाता है, तो वो जो है आपका एक्सटेंशन टेप कहलाता है। अगला आता है बैंड सैंक टैप। बैंड जैसे कि नाम से भी देते हैं, बैंड माने झुका हुआ या मुड़ा हुआ। इसकी सैंक लंबी और मुड़ी होती है, इसके लिए टैप हैंडल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तो इसमें लंबाई में होता है और आगे वाला हिस्सा इसका मुड़ा होता है, तो इसको हम मुड़े वाले भाग को हाथ से घुमाकर टेपिंग कर लेते हैं। इसलिए इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर चूड़ी काटते समय टेप हैंडल फिट ना किया जा सके या घुमाया ना जा सके। कुछ तंग जगह होती है जहाँ पर हमको चूड़ी काटने की आवश्यकता है, चूड़ी काट ली गई है, या कुछ रेयर्स जॉब आते हैं या कुछ रेयर्स वर्कशॉप में काम आते हैं, तो ये बैंड टेप, बैंड सेंक टेप वहाँ पे काम किया जाता है। तो बैंड वाले सेंक वाले टेप को हम लेते हैं और उस उससे में पहले ड्रिलिंग की जाती है उस साइज की, और ड्रिलिंग करने के बाद फिर हम उसको उसमें बैंड सेंक टेप के द्वारा चूड़ी उस साइज की काट देते हैं। उसमें जो भी हमको नट बोल्ट बैठाना है उसमें बैठा दिया जाता है, बोल्ट बैठा दिया जाता है और अपने कार्य को किया जाता है। इस प्रकार से आपका अगला आ रहा है स्पाइरल फिलेटेड टैप। स्पाइरल मतलब क्या होता है, बेलनुमा या घुमावदार को स्पाइरल बोलते हैं। तो इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसकी बॉडी में घुमावदार फ्लूट्स कटे होते हैं। इसका प्रयोग ऐसे सुराखों की टेपिंग के लिए करते हैं जहाँ जिसमें स्प्लाइन ग्रूव या कीलें कटे हों, क्योंकि यह स्लॉट में फंसता नहीं है, इसे होल टैप भी कहते हैं। इसलिए भी एक चीज आई है कि स्प्लाइन, स्प्लाइन माने होती है तिल्ली। जैसे आपने देखा होगा दो मेल और फीमेल पार्ट आपस में फिट होते हैं, तो उसमें क्या है जो है लाइन से स्प्लाइन कटी होती है, मेल पार्ट्स में भी फीमेल पार्ट्स में भी। तो अगर वो घुमावदार हैं, स्पाइरल कट में है, तो क्या होगा उसमें टेपिंग करनी बड़ी मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे क्या है स्पाइरल फ्लोटेड टैप का हम प्रयोग करते हैं। या कीवे कटे हों, जैसे कीवे कटे होता है तो वहाँ पे भी दिक्कत होती है सामान्य टेप से चूड़ी काटने में, तो वहाँ भी स्पाइरल कट वाले टेप को हम यूज में लाते हैं। इसमें खास बात यही है कि स्लॉट में फंसेगा नहीं, इसलिए इसको होल टेप भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो इसको हम फ्लूट्स वाले की फ्लूट्स की वजह से इसको हम स्पाइरल फ्लूट्स वाले टेप कहेंगे और होल टेप वाला भी इसे टेप कह देते हैं। अगला आता है गन या स्पाइरल पॉइंट टैप। इस टैप के पॉइंट की तीन या चार चूड़ियां टेपर में ग्राइंड होती है,
इसमें आगे की चूड़ियों पर एक विशेष रैक एंगल बनता है। विशेष रैक एंगल, रैक एंगल क्या होता है, रैक एंगल होता है जिस स्थान से कोई भी कटिंग मटेरियल डस्ट मटेरियल पास होता है, पास होता है तो वो इसे रैक कहलाता है। देखा आपने सुना होगा लैथ मशीन में आप जो टूल बनाते हैं तो उसमें एंगल्स होता है, रैक एंगल। रैक एंगल तीन तरह का होता है, रैक एंगल तीन तरह का होता है, जीरो रैक होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव रैक होता है, तीसरा आपका निगेटिव होता है। निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो रैक, ये सब धातु के ऊपर निर्भर करता है जो लैथ मशीन में हम जो बनाते हैं टूल के लिए निर्भर करता है अलग अलग जो है ये। तो इसमें जो है ये कटिंग के लिए आ रहा है, यहाँ पे रैक एंगल बनता है जिसमें इससे काटने की क्षमता बढ़ जाती है। कहने का मतलब जब गन स्पाइल पॉइंट टैप होता है तो इसमें रैक एंगल की व्यवस्था होती है, जब छीलन करती है तो रैक के माध्यम से उसमें जो कटिंग मटेरियल्स है बाहर निकल जाता है। इससे क्या है कि इसमें काटने की क्षमता इससे बढ़ जाती है, क्योंकि आप सामान्य टैप से जो चूड़े काटते हैं तो उसमें कचरा फंसता रहता है और क्या होता है टेप फंसने का डर लगा रहता है और टूट भी जाता है कभी कभी, तो इसलिए इस गन या स्पाइरल पॉइंट टैप से ये समस्या नहीं रहती है। इसमें कटे चिप्स आगे बढ़ने से पहले ही गिरने लगते हैं। इसका प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है, इसे मशीन द्वारा व हाथ द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद आता है आपका स्टेबल टैप, यह एक विशेष प्रकार का टैप होता है। इसकी बॉडी तीनों भागों में होती है, सबसे आगे का भाग प्लेन सिलेंड्रिकल होता है जो टैपिंग करते समय होल या सुराख में फिट होकर के टैप को सीधा रखने में सहायता करता है, इसलिए इसका नाम स्टेबल, स्टेबल सीधा। इसका दूसरा भाग रीमर होता है, रीमर आप जानते हैं कि ड्रिल करने के बाद सुराख को सही करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है जो टेप साइज का सुराख सुरता में तैयार करता है। अंत वाला भाग टेप होता है जिस द्वारा चूड़ी काटी जाती है, इसका प्रयोग ज़्यादातर शुद्ध चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है आपका गैस टैप, जैसे नाम से भी देखते हैं गैस टैप, तो ये वही प्रयोग किया जाता होगा जहाँ पर गैस उसका कार्य होता है। तो इसका क्या है मीन्स, इसका प्रयोग ऐसे सुराख में चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है जहाँ पर किसी द्रव या गैस इत्यादि के निकलने का डर रहता है, जैसे पाइप, पाइप सॉकेट है, वॉल्व है, तो इसमें इसकी बॉडी कुछ टेपर होती है और इसकी एक या दो चूड़ियाँ चैम्फर में होती है। आप भली बात जानते हैं जो पाइप या सॉकेट वॉल्व्स होते हैं उनमें चूड़ियाँ या पाइपों में चूड़ियाँ टेप्स की जो चूड़ियाँ कटी होती हैं वो टेपर में होती हैं, क्योंकि उनको फिटिंग कर जब किया जाता है तो लीकेज होने में डर रहता है, इसलिए उसमें थोड़ा टेपर रखा जाता है पाइप की चूड़ियों में। और हम उसमें किस प्रकार का टेप लगा करके या सूती धागा लपेट करके उसके लीकेज को रोक लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि गैस टैप ऐसे जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ पर गैस का काम हो लीकेज को रोकने के लिए। इसकी बॉडी कुछ टेपर होती है और इसकी एक ही अदर चूड़ियाँ चैम्फर्ड भी होती है। अगला आता है मशीन स्क्रू टैप, इसमें 1/4 इंच से लेकर के कम व्यास वाले हैंड टैप को मशीन स्क्रू टैप कहा जाता है। इनकी 3 या 4 चूड़ियाँ चैम्फर या टेपर ग्राइंड होती हैं। जो शुरू में आपको बताया था हैंड टैप्स में चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं स्टार्टिंग वाली, तो ऐसी इसमें भी होती हैं। तो इनका प्रयोग केवल स्क्रू के लिए, चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। जो स्क्रू होते हैं उनके चूड़ी काटने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। फिर आता है मशीन टैप, इनका प्रयोग ड्रिलिंग मशीनों में फिट करके किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन में जैसे कि ड्रिल करते हैं तो ड्रिल में क्या होता है कि हम स्लिप के द्वारा, स्लिप्स होती हैं 0, 1, 2, 4, 6 इस तरह से स्लिप्स होती हैं, और स्लिप में मोस्ट पेपर कटा होता है उनमें उसको हम फंसा लेते हैं, ठीक है। तो इनके पीछे वाली सेंग उसमें फंस जाती है तो टेप का घूमने के चांसेस रहते ही नहीं है। तो इनका प्रयोग ड्रिलिंग मशीन में फिट करके किया जाता है। यह टेपर सेंग व स्ट्रेट सेंग सलाइटेड टाइप के होते हैं, इन्हें विशेष प्रकार के जुगाड़ में पकड़ करके प्रयोग किया जाता है। मशीन द्वारा टेपिंग करने के लिए मशीन को उल्टा घुमाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि अगर हम चूड़ी काटते हैं तो टेप हैंडल को या टेप पूरे सिस्टम को हम क्लॉकवाइज घुमाते रहते हैं। क्लॉकवाइज के साथ साथ जब चूड़ी उसमें एक दो कटती रहती है तो हम उसको एंटी क्लॉक भी घुमाते हैं ताकि चिप्स ठिलन टूट कर नीचे गिरती रहती है और हमारी चूड़ी पूर्णतः बन जाती है। तो इन्हें विशेष प्रकार के जुगाड़ में पकड़ के प्रयोग करते हैं। मशीन द्वारा टेपिंग करने के लिए मशीन को उल्टा घुमाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए, यानी कि मशीन में फॉरवर्ड रिवर्स स्विच लगा होना चाहिए
जिससे ही हमने थ्रेडिंग कर ली और उसको फिर दोबारा उसको उल्टा घुमा दिया ताकि वो बाहर आ जाए और छीलन उसकी निकलती रहे, चूड़ी उसमें सही तरह से कटती जाए। उसके बाद आता है इसमें फ्लूट्स टैप। फ्लूट्स टैप क्या होते हैं? जैसे फ्लूट्स नाम के अनुसार इसमें फ्लूट्स नहीं होते, लेकिन इसका प्रयोग धातु को प्रेस करके बिना काटे ही चूड़ी डालने के लिए किया जाता है। प्रेस करके बिना काटे, जैसे कि प्रेस मतलब था ढलाई कर, जैसे कि आपने जानते हैं जो ढलाइयाँ होती हैं मोटी मोटी चूड़ियाँ होती हैं कुछ चीज़ों में, तो वो चूड़ियाँ बनती नहीं है, खाली वो ढलाई में ही बनाई जाती हैं। तो इसी नाम से है इसका फ्लूट्स टैप का, नाम से अनुसार फ्लूट्स, इसमें फ्लूट्स होते नहीं है। इसका प्रयोग धातु को प्रेस करके बिना काटे ही चूड़ियाँ डालने के लिए कर लेते हैं। यह एक प्रकार का फॉर्मिंग टूल है, इसमें नरम धातु में चूड़ी डाली जाती है। फॉर्मिंग मतलब होता है शकल, वो शकल बनाना, जिस तरह की चूड़ी बनाती है बनानी है हमको, उस रूप में उसको हम टेप्स को बनाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया फॉर्मिंग टूल। कितनी स्पाइरल बनानी है, स्ट्रेट, थोड़ी स्ट्रेट बनानी है, किस हिसाब से बना रही है चूड़ी, तो उसको इसलिए हम फॉर्मिंग टूल का नाम दिया गया। अब आपको उपयुक्त हमने अभी अभी आपको 11 टेप्स बताए हैं, तो इसका आपको थोड़ा सारांश बता दे रहे हैं। टेप्स, टेप्स एक कटिंग टूल होता है, ट्रेड टूल होता है, यह है एक मल्टी पॉइंट यानी बहुमुखी होता है। लैथ मशीन में तो सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल एंगल कटिंग पॉइंट होता है, लेकिन टेप जो होते हैं वो मल्टी पॉइंट होते हैं, बहुमुखी, इसमें कटिंग एज कई सारे होते हैं, तो इसमें चूड़ियाँ बनती रहती हैं। जब हम कटिंग यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो क्या होता है हमारी थ्रेडिंग चूड़ियाँ बनती रहती हैं। यह बहुमुखी टूल होता है, इसमें सिलेंड्रिकल होल की चूड़ियाँ काटी जाती हैं। जो होल होता है वो सिलेंड्रिकल ही होता है, और ड्रिल के द्वारा हम क्या करते हैं, ड्रिल के द्वारा होल करते हैं। ड्रिल द्वारा किया गया होल ड्रिलिंग क्रिया कहलाती है, और फिर उसके बाद में चूड़ी काटी जाती है। टेप्स की विशेषता होती है, जो कंपनियाँ होती हैं सभी कंपनियाँ टेप्स के ऊपर कितने का ड्रिल होना है उस पर साइज मेंशन करके रखती हैं। तो अगर आपके मैट्रिक सिस्टम वाले आपके टेप्स हैं तो उसमें भी साइज लिखा होगा इतने का ड्रिल होगा, और आपके ब्रिटिश सिस्टम वाले हैं तो उसमें भी लिखा होगा कितने TPI की चूड़ी काटनी है। मैट्रिक सिस्टम और आपके क्या है, मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम दोनों में थ्रेडिंग की व्यवस्था होती है। हैंड टैप का एक प्रकार है, टैप 11 प्रकार के होते हैं, हैंड टैप टैप का एक प्रकार है, और हैंड टैप भी 3 प्रकार का होता है। हैंड टैप के सेट में 3 टैप होते हैं, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टैप। प्रत्येक टैप आगे से क्या होता है, टेपर होता है, और इसे जो आगे से टेपर होता है उस हिस्से को बोलते हैं टेपर लीड। लीड मतलब होता है बढ़त, तो बढ़त की वजह से एंट्री करता है उसमें, तभी हमारी चूड़ी स्टार्टिंग करती है। यह है टेपर जो है क्रम से 4 डिग्री भी होता है, 10 डिग्री होता है, 20 डिग्री में भी होता है। जैसे आप समझ रहे हैं कि जिसका एंगल जितना कम होता है तो उसका टेपर उतने अधिक दूरी तक जाता है। 4 डिग्री स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब उसमें टेपर ज़्यादा होगा, 10 डिग्री वाले में उससे कम होगा, 20 डिग्री वाले में उससे कम होगा। बॉडी सेंस फ्लूट लेड कटिंग एज और हील टेपर के मुख्य रूप से भाग होते हैं। संदर्भ जैसे कि अभी आपको बताया गया है, तो इसमें आपको डायरेक्टली www.com sciencedirectly.com से लिया गया है, और रॉयल प्रकाशन, दंपत राइशंस और निमी ऑनलाइन टेस्टिंग से चीज़ें ली गई हैं। आपको विशेष जानकारी और अधिक अध्ययन करना है, प्राप्त करना है, तो आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं। आज मैंने आपको टेप एम टेप के प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।